नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिनोइश पे। ट्राइड एंड लिमिटेड, ट्राइड एंड लिमिटेड के शेयर में क्या करना चाहिए। कंपनी के जो प्रमोटर से अभी फिलहाल जो है कंपनी का जो फाउंडर है, प्रमोटर नहीं फाउंडर जो है, वो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आया है। और ट्राइड का कंपनी को लेके भी कुछ ऐसे अपडेट्स आया है जिसके चलते शेयर का प्राइस में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत तेजी बढ़ रहा है। शेयर का प्राइस जो 52 का हाई प्राइस है उससे अगर देखेंगे तो लगभग 31.78% इसके 52 के हाई प्राइस से देखते तो 31% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन चल रहा है। तो ट्राइडेंट को लेके देखेंगे तो बहुत सारे अपडेट्स है कंपनी को लेके। तो अभी क्या करना चाहिए ट्राइडेंट के शेयर में, क्या ये शेयर यहाँ से और ज्यादा तेजी या फिर यहाँ से जो है तेजी बना सकते हैं, यहाँ से क्या ट्राइडेंट के शेयर रिटर्न दे सकता है। टेक्निकली देखेंगे तो ट्राइडेंट का शेयर कैसा है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। करते हैं स्टॉक की बात है, ट्राइडेंट का शेयर दोस्तों यहाँ पे एक दिन में देखेंगे तो 0.8% के आसपास शेयर में तेजी बना है। वही बात करते हैं शेयर में जो एक हफ्ते में 1.1% के आसपास शेयर का प्राइस जो है डाउन हुआ है। वन मंथ में देखेंगे तो 2.9% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। फिलहाल ट्राइडेंट का शेयर 36.09% के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का देख सकते हैं जो ड्यूरेबिलिटी है जो कि 50 है आउट ऑफ 100, तो मतलब फाइनेंशियली कंपनी अगर देखते हैं ट्राइडेंट का, फाइनेंशियली कंपनी जो एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है, लेवल पे जो है फाइनेंशियल ट्राइडेंट का शेयर चल रहा है, माफ कीजिए कंपनी चल रहा है। अभी वैल्यूएशन की बात करते 28.70 है एंड मोमेंटम की बात करते 31.90 के आसपास है। तो कंपनी का अभी यहां पे देखते हैं ट्राइडेंट का जो वन मंथ में आप देख सकते हो, वन मंथ में शेयर में जो एक हाई प्राइस बनाया जो कि 38.49 का वन मंथ का इसका हाई प्राइस है, और जो लो प्राइस वन मंथ का 35.52 का। एक हफ्ते की बात करते, एक हफ्ते में जो शेयर ने एक हाई प्राइस बनाया 37.09 का और जो लो प्राइस बनाया है 35.52 का। एक दिन में जो हाई प्राइस बनाया 36.45 का और जो लो प्राइस है 35.52 का। कंपनी को लेके देखेंगे तो ट्राइडेंट को लेके बहुत सारे अपडेट्स फिलहाल हम लोग कुछ दिन में देखने को मिला है। कंपनी का जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो थोड़ा यहाँ पे समझते हैं, जहाँ पर म्यूचुअल फंड जो स्टेक कंपनी में इंक्रीज किया है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी देख सकते हैं लो डेप्ट कंपनी है ट्राइडेंट। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं कंपनी का पिछले 2 साल से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पे सही चल रहा है पिछले 2 साल से। कंपनी जो कि इसका देखते थे 0 प्रमोटर प्लेस्ड है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है ट्राइडेंट में। अभी अगर देखेंगे तो ट्राइडेंट में ऐसे सारे अपडेट्स देखने को मिल रहा है जिसके चलते कंपनी के शेयर में अभी हम लोग को एक तेजी पगड़ा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटर्न दिया है अच्छा खासा शेयर ने। अभी कंपनी का जो ROC है उसको लेके बात करते हैं तो कंपनी जो इसके कैपिटल जो होता है उसको वैसा यूज नहीं कर रहा है कि इसका ROC यहाँ पे सही हो। मतलब ROC देखते तो पिछले 2 साल से कुछ खास नहीं है कंपनी का। कंपनी का जो देखेंगे तो शेयर होल्डर्स को जो फंड्स होता है कंपनी उसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है ट्राइडेंट। ROE जो है कंपनी का पिछले 2 साल से डाउन चल रहा है। कंपनी का जो ROA है, जो एसेट्स है कंपनी का, एसेट्स को कंपनी जो है सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है। कंपनी का ROA जो है पिछले 2 साल से डाउन चल रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करते पिछले 2 साल से कंपनी का डाउन हुआ है। कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन से अभी देखने को मिल रहा है ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ऐसे कुछ बोल सकते कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ट्राइडिंग में देखने को मिला है जिसके चलते शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बना। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं जो कि 18,391.30 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसमें से देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही सही चल रहा है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। टेक्निकली बात करते हैं शेयर को लेकर ट्राइडेंट का, देखिए शेयर जो है अभी टेक्निकली बोल सकते कि एक बेयरिश बटन बांधा हुआ देखने को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है ना कि ओवरबोट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं जो शेयर है एक बेयरिश पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं दोस्तों जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स के पास 73.19% का स्टेक है। FIS के पास 2.63% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 0.06% का स्टेक है। अदर इंस्टीट्यूशन माफ कीजिए पब्लिक के पास जो है 22.87% का स्टेक है। देखिए अभी ट्राइडेंट का शेयर जो कि एक रिटर्न दे रहा है इन्वेस्टर्स को, और बोल सकते कि जो है ये जो है एक चर्चा का अभी जो है ट्राइडेंट में चल रहा है, तो क्या ऐसा वजह है जिसके चलते ट्राइडेंट के शेयर में तेजी बना या फिर एक न्यूज में चल रहा है। ट्राइडेंट जो है एक इनकॉर्पोरेटेड होल्डी ओन सब्सिडरी है इन सिंगापुर। कंपनी का देखते तो कंपनी ने जो है यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड जो है एस्टेब्लिश किया एक होल्डी ओन सब्सिडरी सिंगापुर का, जो कि अगर देखेंगे तो मतलब ट्राइडेंट ग्रुप एंटरप्राइजेस जो कि यहाँ पे सिंगापुर ऑफ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन ग्लोबल
globally and explore future opportunities in textile, treasury and investment and finance, जो बोल सकते कि financing में, तो company जो यहाँ पे सिंगापुर में एक इसका subsidiary company शुरू किया है, मतलब subsidiary एक branch इसने शुरू किया, company शुरू किया, तो अभी इस Trident का थोड़ा business को लेके बात करते हैं अगर, तो internationally Trident का जो business है बहुत ही मजबूत है, मतलब India के बाहर ऐसे बहुत सारे countries है जहाँ पे Trident business करता है, तो सिंगापुर का अभी market को मैं जो है इसको business को सही करने के लिए company यहाँ पे एक नया मतलब जो है subsidiary शुरू किया है, जहाँ पे company सिंगापुर का जो ये जो सब्सिडियरी कंपनी है ये ट्राइडेंट के जो बिजनेस को अपने टेक्सटाइल वगैरह में अच्छा खासा यहाँ पे जो है बिजनेस लाके दे सकता है। ट्राइडेंट के जो फाउंडर है अगर देखते हो ट्राइडेंट का फाउंडर को लेके जो यहाँ पे अपडेट्स आया है जहाँ पे ट्राइडेंट का फाउंडर एक रिचेस्ट मैन बताया जा रहा है, जहाँ पे ट्राइडेंट को लेके जो अपडेट बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुप्ता जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है ट्राइडेंट का हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लुधियाना रिचेस्ट मैन विद ए नेट ऑफ 1.6 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। तो फोर्ब्स के इसमें से देखेंगे तो ट्राइडेंट का जो मतलब ओनर है राजेंद्र गुप्ता लुधियाना का, ये जो है बोल सकते कि रिचेस्ट मैन है लुधियाना का, हिज नेट जो है वेल्थ जो है इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 1.4 बिलियन जो कि 2023 में था, तो 23 में 1.4 बिलियन था, वो जो अभी इंक्रीज हो के यहां पे 2.6 बिलियन के आसपास हुआ है, तो इंक्रीज जबरदस्त इसका जो है बोल सकते कि जो इसका जो कैपिटल है वो इंक्रीज यहां पे वेल्थ जो है इसका पे इंक्रीज हुआ है कंपनी के प्रमोटर्स का फाउंडर का। कंपनी यहां पे बहुत ही अगर देखेंगे तो इसका बिजनेस जो प्रोडक्ट्स है ट्राइडेंट का देखते हैं तो बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स है, टेक्सटाइल्स है, मतलब टेक्सटाइल्स में है, होम फर्नीचर्स में है, बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स है। अभी देखिए म्यूचुअल फंड्स का जो और से जो यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है ट्राइडेंट के शेयर में, जहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है दोस्तों ट्राइडेंट में देखते हैं तो 0.05% के आसपास का स्टेक था म्यूचुअल फंड के पास, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करके 0.06% का किया है। वही बात करते हैं प्रॉफिट की, कंपनी का पिछले दो क्वार्टर का हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं जो कि 56.61 करोड़ से जो है प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज होके 73.73 करोड़ हुआ है। पर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो 23.2% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। रिटेल शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो रिटेल शेयर होल्डर्स के पास 22.85% का स्टेक था, स्टेक इंक्रीज करके 22.87% का स्टेक किया है। रेवेन्यू की बात करते हैं ट्राइडेंट का पिछले दो क्वार्टर का जो कि 1.70,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 1.75 करोड़ हुआ है, जो कि देखेंगे तो पर क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है 3.3% इंक्रीज हुआ है। कंपनी में देखेंगे तो अभी जो है ट्राइडेंट में जैसे कि शेयर का प्राइस जो है लगभग 36 रुपीस के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो FIS है, FIS के पास 2.66% का स्टेक था, FIS ने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 2.83% का स्टेक किया है, तो देखिए यहाँ पे 2.63% का स्टेक किया है, तो यहाँ पे देखिए FIS ने स्टेक जो है रिड्यूस किया है, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है और जो रिटेल शेयर होल्डर्स ने स्टेक ट्राइडेंट में इंक्रीज किया है। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट पिछले दो क्वार्टर में एक अच्छा खासा देखने को मिला है ट्राइडेंट का। अभी यहाँ पे शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है उसमें से देखते एक ऐसे एनालिस्ट है जिन्होंने ट्राइडेंट के शेयर को लेके रिसर्च किया है और उनको लगता है कि मतलब 100% जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको लगता है कि ट्राइडेंट के शेयर में आप लोग बाई करके चल सकते हैं कंपनी के शेयर में। अभी यहाँ पे देखते हैं ट्राइडेंट को लेके मतलब जो इसका एक दिन का जो लो प्राइस इसने बनाया है 35.80 पैसे का और एक दिन का जो हाई प्राइस है 36.25 पैसे का। 50 डे के लो प्राइस की बात करते हैं 32.40 पैसे का है और 50 डे के जो हाई प्राइस है 52.90 पैसे का। तो कंपनी का शेयर देख सकते हैं यहाँ पे 50 डे के जो हाई प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा नीचे फिलहाल अभी ट्रेड कर रहा है। वन मंथ में 3.94% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, थ्री मंथ में 8.86% डाउन हुआ शेयर का प्राइस और वन ईयर में देखेंगे तो 6.16% के आसपास शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। दोस्तों आपको कैसा लगता है ट्राइडेंट का शेयर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।